दोस्तों आज हम हैं थाना भवन में बाबा डीजे और हमारे साथ हैं सोनू भाई। तो सोनू भाई अब हम आप पूरी जो आपकी टाटा है टाटा की पूरी रिव्यू एक वीडियो बनाने वाले हैं और जितने भी वीडियो देखेंगे उनको प्रॉपर हमें एक रिव्यू देने वाले हैं कि टाटा कैसे तैयार होती है, इसमें कितने स्पीकर, कितने बेस, कितने एक्स वायर जो भी है सारी चीज़ें हम बताएंगे। तो दोस्तों ये है बाबा डीजे शामली थाना भवन। दोस्तों ये आप देख सकते हो टाटा बाबा डीजे थाना भवन। तो सोनू भाई सबसे पहले इसमें कितनी टॉप कितनी बेस लगी हुई है? इसमें 5 टॉप है जी। जो प्योडियो है आईटी सीरीज 600 वाट जी और 6 बेस है मिनीटोन 5 इंची। अच्छा इसमें जो एम्पलीफायर मिड जो कितने लगे हुए हैं? एम्पलीफायर इसमें 5 लगे हुए हैं, 4 एमटी है जो मैं बेसों को टॉप को यूज़ करता हूँ, 1700 है जो मैं टॉपों पर यूज़ करता हूँ। अच्छा इसमें जो जनरेटर लग रहा है? जनरेटर लगा हुआ है 45 केवी का, यानी 45 किलोवाट का। अच्छा अच्छा जो इसके अंदर जो पूरा सेटअप होता है एक बार हम वो देखना चाहते हैं, पूरी जाली आप खुलवाओ इसकी जी। वो पूरा अंदर का जो सेटअप है वो पूरा देखना चाहते हैं जी। दोस्तों अभी हम जाली खुलवा रहे हैं इसकी और बहुत सारी वीडियो देखी होगी आपने YouTube पे, प्रॉपर रिव्यू मिलेगा क्या क्या डिटेल होती है, क्या क्या इसके अंदर सेटअप लगा होता है। और सोनू भाई हैं हमारे, तो सोनू भाई कुछ टाटा के बारे में बताइए अपनी। ये हमारी टाटा है जो मैंने अभी समथिंग 2021 में बनाई है। जो हमारी टाटा है हम इसको जाली खोल के दिखवाएंगे अभी, कौन से स्पीकर है, कौन से स्पीकर यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से हमने अपनी टाटा में बेसें लगा रखी है, किस तरीके से हाई से यूज़ कर रहे हैं, कौन सी हाई से यूज़ कर रहे हैं, सब दिखाएंगे आपको। ये देखो टाटा की जाली बिल्कुल ओपन हो रही है और ये सोनू भाई टाटा की जाली जो हटा रहे हैं। अब आप देख सकते हो लुक बिल्कुल फ्रंट में बिल्कुल टाटा की जाली खुलवा दी है, अंदर का आप पूरा सेटअप देख सकते हो। यहाँ पे बेस लग रही है, यहाँ पे बेस आपको प्रॉपर 6 बेस दिख रही हैं और 5 इसके अंदर, ये 5 जो हैं टॉप है, 5 टॉप हैं। अच्छा इसके अंदर जो स्पीकर है ये कितने इंच का है, क्या है? 18 इंच का है जी। हाँ जी 1200 वाट है और 5 इंची वो है कॉइल। और जो ऊपर टॉप लग रही है? ऊपर टॉप है जो ये आईटी सीरीज है प्योडियो 4 इंची में। अच्छा जी। अच्छा ये जो है इसे क्या बोलते हैं? इसको आइस बोलते हैं, ये प्योडियो की आइस है आईटी सीरीज में ये भी जी 750। तो इसका जो वर्क होता है क्या वर्क होता है? इसका वर्क होता है जो आवाज बहुत बड़ी आवाज आती है इसकी, यानी जो चिल्लाना होता है मिड नहीं हाइज का काम करती है जी। ओके। और जो टॉप है जो टॉप के स्पीकर है वे मिड का काम करते हैं और ये बराबर बेस देते हैं अपनी 18 इंच स्पीकर। तो दोस्तों आपको दिख रही होगी 1 2 3 4 5 6 6 बेस हैं और 5 इसके अंदर टॉप है, काफ़ी अच्छा लग रहा। और भाई ने भी बोला टेस्टिंग भी सुनाएंगे हमें भी, तो टेस्टिंग भी सुनाएंगे। अच्छा जैसे अब ये लग रहा है इसके अंदर ठीक है, लास्ट इसमें कितनी बेस लगा सकते हो अभी? इसमें हम समथिंग 18-20 भी लग सकती है। अच्छा जी। और जो हम बेस यूज कर रहे हैं वो 22-44 का साइज है, जो गहराई है वो 30 इंच है और जो हमारे टाटा की पूरी लंबाई चौड़ाई है समथिंग 92 इंच इसकी पूरी की लंबाई है और 30 इंच ऐसे चौड़ाई है जहाँ पे हमारी बेसें रखी हुई है। अच्छा इसमें जो जाली होती है जाली का क्या वर्क होता है? जाली का ये वर्क होता है, जाली जैसे कोई भी बंदा जैसे जाली लगा रहा, जाली का मतलब यही है कि धूल मिट्टी या डस्ट अंदर ना जाए। और जाली का थोड़ा सा ये भी महत्व है, अब आपने जाली हटा दी तो समथिंग मान के चलिए 20% की थरो आपकी एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी साउंड की जी, अगर आपने जाली हटा दी और आपकी जैसे जाली लगी है। जाली का यानी बहुत फ़ायदे भी है और फायदे भी नहीं है। फायदे तो सबसे मेन चीज़ यही है कि कोई बंदा इसमें उंगली ना कर सके, यानी कोई डस्ट हो गया एक्सवाई बहुत सारी चीज़ें हैं तो डस्ट हो गया और प्लस कोई इसमें कुछ स्पीकर में घुसा ना दे, वायरिंग है जी, इसलिए जाली लगाने का ये महत्व है, नहीं तो जाली की कोई इतनी वैल्यू नहीं है। तो दोस्तों देख सकते हो पूरा भाई से जाल खुलवा के पूरी प्रॉपर वीडियो दिखाइए। ये हमारा जनरेटर है जो 3 फेज का है, 4 सिलेंडर में 45 केवी का, अच्छा तरीके से इसका परफॉर्मेंस रहता है जी, अच्छी तरीके से करंट देता है। और ये हमारे MT है 1201 जो हम यूज़ करते हैं, मेरे पास 16 MT है जी, 2 7800 है, 2 MT है, 1 CA 18 है। जब मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ बेसों पे तो 1201 MT यूज़ करता हूँ, जो
प्रोटोन का है। अच्छा, ये जो जनरेटर होता है ना, इससे वेट का भी मैटर करता है ना बैक साइड में? हाँ बिल्कुल करता है वेट जी। ये वेट समथिंग मान के चलिए इसमें समथिंग 4 या 5 क्विंटल के आसपास वजन होगा, जो टाटा को ऊपर से मतलब लचक नहीं लेने देता जी। देखा जाए ना फिनिशिंग तो बहुत अच्छी लग रही है बिल्कुल, और प्रॉपर फिटिंग भी अच्छी है। और बाकी अभी एक टेस्टिंग वीडियो भी देखते हैं भैया से कि इसकी लाइव टेस्टिंग, बाकी साउंड का जो एक्सपीरियंस है वो भी बताते हैं आपको। तो ये है बाबा डीजे थाना भवन शामली से। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।